तो दोस्तों पहले चिकन को अच्छे से धोना पड़ेगा, बिल्कुल खून वगैरह बिल्कुल साफ कर लेना है, इसमें से बिल्कुल धो लेना, 3-4 बार पानी से धोना है। धो लेते हैं। हाँ तो भाई स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। तो भाई एक सवाल निकल कर आता है, चिकन चिकन को कैसे खाया जाए, चिकन का कौन सा पार्ट खाया जाए और कितने ग्राम खाया जाए, एक मील में कितने ग्राम चिकन ले सकते हैं अपन और एक मील में कितने ग्राम चिकन ले सकते हैं और उसमें कितना ग्राम प्रोटीन मिल जाता है अपन को। तो इन सारे सवालों का जवाब घूमता रहता है दिमाग में लोगों के में। तो मैं आपको बता दूं, आज ये वीडियो हमारे चिकन के ऊपर होने वाली है और चिकन कैसे बनाना है, कैसे खाना है, कैसे तैयार करनी है चिकन मील, तो मैं उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चिकन चिकन एक प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। चिकन में बहुत ही कम कैलोरी और हाई प्रोटीन मिल जाता है। 100 ग्राम 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है 100 ग्राम चिकन में, समझ लो। कच्चे 6 ग्राम चिकन में 25 ग्राम के समथिंग प्रोटीन मिल जाता है, 25 से 30 ग्राम, और बॉइल्ड 100 ग्राम चिकन में मिल जाता है 30 ग्राम प्रोटीन। तो दोस्तों तो अपनी बॉडी क्या होता है कि हर किसी की बॉडी अलग टाइप की होती है, हर किसी की बॉडी प्रोटीन जल्दी पचा जाती है और किसी की लेट पचाती है, किसी की प्रोटीन पचाने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो क्या होता है कि एक मील में लगभग हमको 30 ग्राम प्रोटीन आराम से ले सकते हैं, तो अपन 30 से 40 ग्राम प्रोटीन आराम से ले सकते हैं। और अगर वो आपके बॉडी वेट और आपकी एक्सरसाइज और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रोटीन ऑब्जर्व कर सकते हो, कितना ज़्यादा प्रोटीन ले सकते हो। तो बात यह है दोस्तों कि 200 ग्राम चिकन मैं अपनी मील में लेता हूँ, उससे मेरे को 60 ग्राम प्रोटीन मिलता है और उसे मुझे डाइजेस्ट करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। तो आपको क्या करना है, 150 ग्राम चिकन या 100 ग्राम चिकन से स्टार्ट करना है, बॉइल्ड चिकन से 100 ग्राम में आपको पचाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आप 150 ग्राम ले सकते हो। 150 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं लेना है क्योंकि 150 ग्राम चिकन में लगभग आपको 35 से 40 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और एक मील में 35 से 40 ग्राम प्रोटीन काफ़ी होता है। तो दोस्तों देखते हैं आज हम चिकन कैसे बनाया जाएगा, चिकन का कौन सा पार्ट मैं लेकर आया हूँ। तो दोस्तों चिकन में लेकर आया हूँ और ये रहा अपन का चिकन का टिफिन। इसमें एक टिफिन में 300 ग्राम चिकन है तो ये बॉइल करने के बाद 200 ग्राम रह जाता है। तो ये 200 ग्राम ये और 200 ग्राम ये मेरी दो मील हो जाएंगी, एक कब के लिए और एक रात के लिए। तो मैं एक साथ ही उबाल लेता हूँ, खराब होगा नहीं। तो करते हैं स्टार्ट, दिखा देता हूँ मैं चिकन का कौन सा पार्ट लाया हूँ। तो दोस्तों मैं लाया हूँ चिकन का बिल्कुल चेस्ट वाला पार्ट, जिसमें हड्डी बिल्कुल भी नहीं होती, बिना हड्डी वाला चेस्ट वाला पार्ट अपन को लेके आना है। इसी में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है, जो जिसे वो लोग आलू आलू कहते हैं ना बिल्कुल, कि हाँ ये तो आलू है बिल्कुल, वो वाला पार्ट अपन को चिकन का लेके आना है, इसी में ज़्यादा मात्रा होती है। ठीक है, एक साथ ही बॉइल कर लेता हूँ मैं पूरा चिकन। पहले अच्छे से इसको धो लेता हूँ। तो दोस्तों पहले चिकन को अच्छे से धोना पड़ेगा, बिल्कुल खून वगैरह बिल्कुल साफ कर लेना है, इसमें से बिल्कुल धो लेना, 3-4 बार पानी से धोना है। धो लेते हैं। बिल्कुल चिकन को धो लेना है, बिल्कुल साफ कर लेना है, क्योंकि आप जानते हो दुकानों पे चिकन मिलता है वो कितनी ज्यादा साफ सफाई रखते हैं, तो उनको भी अपने साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए क्योंकि वहां पर तो साफ सफाई होती नहीं है इसमें दुकानों पर। तो हमारा चिकन धुल के हो चुका है तैयार, ये देखिए। अब चिकन बॉईल होने के लिए तैयार है, अब करना कुछ नहीं है। तो दोस्तों जिन लोगों को लगता है कि मुझे तो नहीं
तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, कि बॉडी बनानी है, अगर बॉडी बनानी है तो स्वाद को आपको छोड़ना पड़ेगा। आप सोचते हो कि नहीं मुझे तो स्वादिष्ट खाना चाहिए, तो बिल्कुल भी बॉडी आपकी बनने से रही, स्वाद आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आप चाहते हो कि चिकन का पूरा प्रोटीन बॉडी को लगे, तो आप सिर्फ इसमें नमक डालिए और कुछ मत डालिए। मैं इसमें कुछ नहीं डालता, वैसे डाल सकते हो प्याज हरी मिर्च वगैरह काट कर डाल सकते हो, और बॉईल करके अगर आपको चिकन खाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बॉईल तेल वगैरह चिकन में डालने से, सब्जी बना के खाने से उसका प्रोटीन अपन की बॉडी को नहीं मिल पाता है, वो ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, तो बॉईल करके चिकन खाना है, मैंने बॉईल करने रख दिया है, कम से कम 20 से 25 मिनट इसको मैं बॉईल करूंगा तब खाऊंगा। इसमें डाल लेता हूँ सिर्फ मैं काला नमक स्वाद के लिए, ये काला नमक है, काला नमक डाल रहा हूँ। इसमें स्वाद अनुसार डाल सकते हो, आप जितना डालना चाहो उतना डाल सकते हो काला नमक। दोस्तों बात ये है कि आपको स्वाद देख लो या फिर बॉडी देख लो, स्वादिष्ट खाना खाना है या फिर बॉडी बनानी है, ये आपको डिसाइड करना है। मुझे तो भाई बॉडी बनानी है, स्वादिष्ट खाने से कोई मतलब नहीं, जैसा भी लगे कैसा भी लगे, अपन को बॉडी में प्रोटीन पहुंचाने से मतलब है। बॉडी में जितना ज्यादा प्रोटीन अच्छी मात्रा में पहुंच जाएगा उतनी जल्दी हमारी बॉडी बन जाएगी। तो थैंक यू गाइस, हमारे चिकन बॉल वगैरह के बाद हम खा लेंगे, और आप हमारे वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दिए, फॉलो कर दिए, जो भी करना है सब कुछ कर दिए, नहीं करना है मत करिए, जाइए। ठीक है, थैंक यू, वीडियो में बने रहने तक धन्यवाद।